राम राम भाइयों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। दोस्तों सुबह का टाइम है यार, अभी अभी उठा हूँ यार। पता नहीं यार, नींद सी आ रही है यार, लेकिन सालू ने उठा दिया भैया। आज तो यार मौसम भी बड़ा अच्छा हो रखा है, सर्दी आ गई भैया। मैं तो गर्म टी शर्ट पहना हुआ हूँ कसम से। ये टी शर्ट यार पिछले साल ना मेरी लुवाई नहीं दिया था सालू ने कसम से। और ये टी शर्ट पहन पहन के ना भैया मैंने पिछले साल की सर्दी बिता दी, लेकिन इस बार तो यार कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो रही है भैया। दिल्ली में आ गए, दिल्ली की सर्दी तो नाम ही है। तो भैया टी शर्ट भी लेके आने हैं यार। पटाखे देख रहे हो? अभी भी फूट रहे हैं। कह रहे थे दिल्ली में पटाखे नहीं फूटेंगे, लेकिन अभी भी फूट रहे हैं लौंडे। और भैया सालू तो सब्जी वब्जी बना रही है, आलू मेथी की सब्जी बन रही है भैया। ये है आलू मेथी, ठीक है ना? कल मैं लेके आया था आलू मेथी, और ये बना रही है सब्जी। तो बड़ी अच्छी सब्जी बनाती है, मैं अभी बना ले सब्जी। और भैया निश्चल बाबू तो हमारे सो रहे हैं, पता नहीं यार इसको नींद कितनी आती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइट जला दिया था ना, तो बोलते पापा लाइट को ना थोड़ा सा ना बंद कर दो। और देखो ये देखो सो रहा है। अबे लौंडे उठ जा, ये सुनने वाला नहीं है किसी की बातें कसम से। और सोता रहेगा, फिर उठेगा 12 बजे, क्योंकि भाई स्कूल की भी छुट्टी पड़ी हुई है, ठीक है ना? फिर इसका स्कूल खुलेगा 16 तारीख को। तो बोला तो पापा मेरे को फुल एंजॉय लेना था, फिर उसके बाद छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं स्कूल में चला जाऊँगा तो फिर लेट तक नहीं सो पाऊँगा मैं। ठीक है बेटा, तू भी मौज ले ले कसम से। और भैया धूप तो निकली हुई है, लेकिन बाहर में यार खड़ा नहीं हो रहा है, गले में खड़ास सी हो रही है, इतने ज़्यादा धुआं भर गया है यार, क्या बताऊँ। पौधे वौधे को थोड़ा मैंने बाहर रख दिया, थोड़ा सा पानी वानी भी ऐसे करके मैंने छींटे मार दिए थे इस पर, थोड़ा भाई पॉल्यूशन में बेचारे पौधे भी होते भी पत्ते होते तो साफ़ हो जाएंगे। ये देख सकते हो भैया, देख रहे हो ये कुहासा छाया हुआ है? सर्दी का कुहासा नहीं है, पॉल्यूशन का कुहासा है। समझ नहीं आ रही यार, पता नहीं यार पटाखे क्यों फोड़ते हैं यार इंसान। भैया हमने तो इस बार दिवाली में कुछ पटाखे वटाखे कुछ भी नहीं फोड़े थे। उन्हें बोला था भैया पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनानी चाहिए भैया, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, है भाई सालू? और भाई इतने ज़्यादा गले में खड़ास हो रही है ना, बोला भी नहीं जा रहा है। मैं सोच रहा था यार आज ब्लॉग नहीं बनाऊँ यार, लेकिन फिर मैंने सोचा भैया ब्लॉग बना लेता हूँ यार, क्या करूँ यार कसम से। फिर आप लोग बोलोगे भैया डेली ब्लॉग नहीं आ रहा, तो ये सालों ने बोला बना लो यार ब्लॉग। तो भैया गले में इतनी खड़ास हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा। एक तो हम लोगों ने पटाखे नहीं फोड़े भाई, फिर 5वीं मंजिल पर रहते हैं भैया, वहाँ से इतने ज़्यादा धुआं आ रहा है भाई, नीचे से सारी धुआं आ रही है कसम से। ये गेट तो भैया हम लोगों ने लगा के भी रख दिया था यहाँ पे, ये जो चीज़ है। और ये जो हमारे जो बिल्डिंग के है ना 5th फ्लोर तक है, तो 3-4 फ्लोर वाले तो चले गए भैया, छठ पूजा आने वाला है तो छठ पूजा में अपने अपने गांव चले गए। तो कल एक आंटी जी आई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम गांव जा रहे हैं। मैं भी बिहार का हूँ भाई, मेरी मम्मी बनाती थी व्रत, छठ का व्रत करती थी, और लेकिन मम्मी एक्सपायर्ड हो गई, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा 2022 में एक्सपायर्ड हो गई। तो मम्मी ने किसी को देख ही नहीं गया। तो हमारे यहाँ रिचुअल ये है कि जब तक बड़ी बहुओं को या किसी घर की लेडीज को सास ना देना तो छठ नहीं हो पाएगी। तो मम्मी तो कर रही थी, फिर उनकी डेथ हो गई, तो अब छठ मन ही नहीं रहा घर के अंदर, क्योंकि मम्मी ने बताया नहीं था कैसे करना है। तो सालू को भी नहीं दी, क्योंकि सास ही देती है हमारे में बहुओं को छठ करने के लिए। अब यार छठ छठ मनेगा ही नहीं हमारे घर में, समझ ही नहीं आ रहा यार, बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ इस टाइम पे ना, मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ छठ के टाइम पे। साल भर तो इतना ज़्यादा यादें आती है, लेकिन इतनी नहीं आती छठ के टाइम पे। तो भैया कलेजा ऐसा लगता है ना भैया, उखड़ सा जाता है यार, छठ महापर्व है। तो यही आंटी सब गई है बिहार गई है, बोल रही थी बेटा थोड़ा देखते रहना इधर उधर, क्योंकि भैया यहाँ पे चोरी उड़ी की भी बड़ी संभावना है। तो रात में भैया हम लोगों ने गेट को ना, ये गेट को छत वाले गेट को ना ऐसे करके लगा दिया था, ताले वाले भी लगा दिए थे भाई इसके अंदर। और प्लस भाई सही है भाई, लोहे वोहे का गेट है यार इस फ्लैट के अंदर, भैया बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है सालू। तो बोल रही थी हमें तो पता भी नहीं था भैया, वो बोल रही थी 1-2 साल पहले यहाँ चोरी ओड़ी भी हो गई थी, इसलिए लोहे का गेट लगा के रखना था भैया, लोहे वोहे का गेट लगा के रखे हुए। तो वो सब पूरी बिल्डिंग खाली हो गई, हम हैं 5वें फ्लोर पे और शायद 1st फ्लोर पे एक है, और बाकी 1 3rd फ्लोर पे, बाकी 3 फ्लोर वाले चले गए, 3 या 4 चले गए, 4 फ्लैट चले गए अपने जो परिवार लेके अपने भैया छठ पूजा मनाने के लिए। तो भैया सालू की सब्जी बनने में तो भैया टाइम है, कितनी टाइम लग जाएगी भाई? टाइम कितना टाइम है? 15-20। मैं तो आज मोमोज बनाने वाला था, लेकिन मेरे को मोमोज नहीं बनाने दे रही है, बोल रही कि पहले जो मेथी जो लाए थे ना खराब हो जाएगी, हरे पत्तेदार सब्जी है। क्या करोगे, सब्जियां ला ला के रख दोगे और उनको फिर सड़ने के लिए छोड़ दोगे फ्रिज में, अपना उटपटांग खाते रहोगे। सब्जी के नाम पे गुस्सा हो जाती है, बोली थी भैया हरे पत्तेदार सब्जी है इसको पहले खा लो, बाकी मोमोज तो बनता रहेगा, पत्ता गोभी इतना ज्यादा खराब नहीं होगा।
मेथी खराब हो जाएगी। मैं चल ठीक है भाई, तेरे से बहस करनी बेकार है, अभी आपको सीधा बना लिया भैया। उस दिन निश्चल के जन्मदिन पे गुब्बारे लगाए थे ना दिवाली के दिन, ये देखिए सारे गुब्बारे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं भैया, ये फूट नहीं रहे। लल्ला जी बोल रहे हमारे ये दो गुब्बारे बचा के रख लेता हूँ, इनका भी बर्थडे आने वाला भैया 16 नवंबर को इनका बर्थडे भैया। दूध बिस्कुट खा रहे कसम से, अब तो सर्दी के ड्रेस भी पहन लिए इन्होंने, स्वेटर पहने हुए लाला ने कसम से, है भाई। आप सालू बोल लिए ना कि कुछ दिनों बाद ना मेरे को ना आप आके कपड़ा दे देना, थोड़ा रुमाल उमाल जो हैंकी टाइप का नहीं ना जो गर्म टाइप का, तो उसका मैं इनका जैकेट बना दूंगी। ये जो जैकेट बना हुआ है ना इनका, वो भी उसी कपड़े का सालू ने बनाई थी पिछले साल, तो भैया ला के दे दूंगा कसम से यार। अब पता ही नाश्ता बनने में थोड़ा टाइम है, नाश्ता वास्ता खाएंगे। निश्चल तो भैया उठने वाला नहीं है, और भैया इंडिया का मैच भी है सेमीफाइनल, मज़ा आने वाला है। निश्चल तो वेट कर रहा है भैया इंडिया के मैच का। हाँ यार ये जो मूंछ है ना, इस पर मूँछों पे ऐठन मारनी है भैया, बड़े बड़े रखने हैं। अब हो रही है ऐठन, क्योंकि बड़ा कर रहा हूँ ना भैया, जब ऐठन हो जाएगी ना मज़ा आ जाएगा, कतई कतई मज़ा आ जाएगा भाई। ये देखो बन रही है भैया मूँछ, है सालू कतई राजा राजवाड़ा की तरह हो रही है। सही है, मैंने निश्चल को बोल दिया भाई अगर इंडिया जीत जाएगी ना तेरी तो मूँछे भैया कटवाऊंगा नहीं जनवरी तक, और अगर इंडिया हार गई तो भैया मूँछे कटवा दूंगा। बोला पापा टेंशन मत लो, आप ना मर्द ही की तरह ही दिखोगे कतई मूँछों में, सच्ची में, क्योंकि इंडिया जीतने वाली है मेरी। मैं बोला चल ठीक है भाई, इंडिया जब जीतेगी तो मूँछ भी रख लेंगे भैया। इस बार मिथ्या है, मूँछे रखनी है, क्योंकि वर्ल्ड कप के मिड में मैंने मूँछ रखना स्टार्ट किया था, और भैया मूँछे रखनी है क्योंकि भैया इंडिया जीतेगी और जनवरी तक मूँछे रखनी पड़ेगी। निश्चल को भी प्रॉमिस किया हुआ हूँ, निश्चल बोल रहा है पापा जो मुझे प्रॉमिस कर देता ना प्रॉमिस तोड़ना मत। मैं बोला बेटा बस इंडिया जीत जाए, तेरी प्रॉमिस टूटेगी नहीं, जो हमने बोल दिया तो वही चीज़ होगी। मैंने तो सर्दी के कपड़े ना भैया छोटी दिवाली को ही धो लिया था, और सालू बोल लिया आज भैया ठंड आ गई, सही हुआ आपने कपड़े धो लिए। लेकिन ना मैं ही सर्दी के कपड़े पहनना हूँ, सालू तो पहन नहीं रही है सर्दी के कपड़े, ना निश्चल पहनना। पता नहीं इनको कितनी गर्मी लगती है यार, पता नहीं मैं बुढ़ा हो गया क्या, इन लोगों को गर्मी लगती नहीं है भैया। हम लोगों को भैया इतनी ठंडी नहीं लगती, इतनी ठंडी नहीं लगती है आपको? अरे लाइट तो जला ले, तुझे सब्जी वब्जी दिखा देंगे। आलू मेथी की सब्जी कैसे बन रही है? सूखा सब्जी बना। ओए होए सूखा सब्जी यार, निश्चल को ना इसके पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, जो भर देते हैं ना स्टफिंग, इसको जैसे सब्जी बन जाएगी इसको थोड़ा मैश करके ना आटे की लोई लेंगे, उसमें भर के जैसे आलू भरते हैं भैया स्टफिंग वाले, वैसे ही बन जाती है सब्जी। अब निश्चल तो भैया पराठे हो खाएगा, मैं तो भैया पराठे नहीं खाऊंगा, मैं तो सब्जी खाऊंगा भाई, सब्जी अच्छी बनाती है। सर्दी के कपड़े वपड़े धुल गए थे, बहुत सारे कपड़े धोए थे, है ना सालो? हाँ यार कसम से यार, ये निश्चल कल क्या बोला था, पापा ये रंगोली को कब हटाओगे? मैंने बोला बेटा ये ऐसे हट जाएगी, और सालू भी बोली थी मैं हटा दूँ, मैंने तो पागल हो गई है, ये रंगोली को जब तक पोछा लगते लगते खुद हट जाएगा, खुद थोड़ी हटाते हैं, पता नहीं यार कुछ पता ही नहीं है। और भैया लाइट वाइट तो नीचे वाले सब ने हटा ही दिया, लेकिन मैंने सोचा भैया छठ पूजा आ रहा है तो छठ पूजा तक लाइट लगे रहने दो। अब मम्मी तो है नहीं जो छठ होगा, लेकिन भैया एक उनके जो मनाते थे वो छठ, तब तक तो हमारे घर में लाइट लगी रहेगी। हमारे यहाँ ना जो दिवाली से पहले जो लाइट लगती है ना छठ पूजा तक लगी रहती है लाइट, है ना सालो? हाँ। तो लाइट तो लगी रहेगी। अब भैया इस लौंडे को उठा देता हूँ, ये लौंडा उठने वालों में से नहीं है। अबे लौंडे उठ जा निश्चल, अरे उठ जा, अरे भैया दिन हो गए यार, देख ले 10:30 हो रहे, उठ जा। अरे इंडिया का मैच आ रहा है, ओए ये नहीं उठने वाला था, देख घोड़े बेच के सो रहा है रे ओ हीरो सालो। इसे यार सुबह आदत डाल दे भैया, लंबी छुट्टी मार लिया फिर स्कूल वकूल कैसे जाएगा लौंडा, फिर ये नौटंकी करता है मेरे पेट में दर्द हो गया। अरे थोड़ा सा ना गैस को कम कर दे, गैस महंगी हो रही है भैया, थोड़ा सा कम कर दे, कम आंच पे बना गैस, स्वादिष्ट सब्जी बनती है कतई देसी सब्जी, और क्या जब गोबर के हाथों की देसी सब्जी बनेगी तो मजा ही तो आएगा कतई कसम से। अच्छा और क्या, सांड के मुंह में जाएगी वही सब्जी तो और अच्छा लगेगा। हम सांड हैं तो हम गोबर हैं।